हाँ गुड मॉर्निंग। देखिएगा आप लोग को पार्टनरशिप का कुछ कुछ क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होता था, जिसकी वजह से हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया। ये आप लोग का पार्टनरशिप फंडामेंटल का है, ये 5 क्वेश्चन है एक वीडियो के लिए, फिर दूसरा वीडियो आपका जाएगा अगला क्वेश्चन के लिए फंडामेंटल फर्स्ट का। बहुत स्टूडेंट इस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हैं कि सर इसका क्वेश्चन ऐसा क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इसमें 2-3 ऐसा पॉइंट है जो कि कन्फ्यूजन वाला है, यहाँ से देखिएगा आपका क्वेश्चन बहुत आसान है आपका। हमेशा 5-6 वीडियो क्वेश्चन जाते जाएगा एक एक वीडियो में देखिए। पहला आपको का क्वेश्चन है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ईच, 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड टू कैपिटल, नॉन ऑफ। हमने टेस्ट में लिया था तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी में टिक किया था, लेकिन ये गलत है। आप लोग को पार्टनरशिप का फीचर्स में देखिए हमने लिखवाया है कि लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। पार्टनर्स का आपका लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। समझा गया, इसका आप लोग का ऐसा ही लिमिटेड टू कैपिटल नहीं होता है, पार्टनर्स का लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखिएगा मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, 2 बार 4 बार 6 बार कितना बार आया है, इसलिए एकदम से इस क्वेश्चन को सब सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, पहला है कंपलसरी, दूसरा आपका वॉलंटरी, तीसरा आपका सी नंबर दिया हुआ है पार्टली कंपलसरी, डी दिया हुआ है नॉन। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बहुत रिपीटेड है। यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाला ना कंपलसरी नहीं होता है, इसका क्या होगा, वॉलंटरी होगा। क्यों, आप जानते हैं कि कोई भी पार्टनरशिप जो बिजनेस बनता है बिना एग्रीमेंट का भी स्टार्ट हो जाता है, बाद में हमारा जब बिजनेस चलने लगता है देयर आफ्टर पार्टनर्स डिसाइडेड टू मेकिंग एग्रीमेंट, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाला कोई कंपलसरी नहीं होता। ये भी हमने टेस्ट में लिया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंपलसरी में किया था जो कि कॉपी में लिखवाया हुआ है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है आपका, वॉलंटरी होता है। सही, दूसरा थर्ड नंबर देखिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, ये भी हाईली आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में और CBSE में बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल, रिटेन, ओरल और रिटेन, नॉन ऑफ, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रखिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोनों हो सकता है, क्या हो सकता है, ओरल और रिटेन दोनों हो सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम लोग ओरल भी कर लेते हैं और रिटेन भी कर लेते हैं, वो दिखा रहे तीसरा जैसे क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को कौन सा इसका आंसर सही होगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पार्टनरशिप डीड क्या हो, रिटेन हो। हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन यदि पूछ लेता है पार्टनरशिप डीड क्या होगा, तो पार्टनरशिप डीड हमेशा आपका रिटेन होता है, कभी भी आपका ओरल पार्टनरशिप डीड नहीं होता। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है रिटेन डॉक्यूमेंट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। समझ आ गया, तो जब पार्टनरशिप डीड के बारे में पूछा जाए तो पार्टनरशिप डीड हमेशा रिटेन होता है, लेकिन जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में पूछा जाए तो एग्रीमेंट दोनों हो सकता है, आपका ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। सही, अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड बाय द फर्म एट द रेट ऑफ, ये देखिए कॉपी में भी लिखवाया था कि जहां पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं दिया है तो पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट कितना परसेंट दिया जाएगा। जब कुछ भी नहीं दिया है कि पार्टनर्स का लोन पर कितना इंटरेस्ट देंगे, कितना परसेंट दिया जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4%, 5%, 6%, 8%। तो देखिए आपको तो कॉपी में लिखवाया गया है कितना परसेंट देंगे उसको, 6%। यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 10% देंगे, 20%, 20%, 40% तो देंगे, बट इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जहां पर पार्टनरशिप डीड नहीं रहे तो पार्टनर्स के लोन पर कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6%। सही, अब एक देखिए क्वेश्चन, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितना बार आया है, सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, अब बहुत सारे स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का पूछता है हमेशा, इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम से देख लेना है। दिक्कत हो तो कॉमेंट में आप लोग जरूर बोलिए कहाँ दिक्कत है, वापस इसको हम समझाएंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹25 करोड़ एंड 50,000। ए और बी आपका दो पार्टनर है, ए का कैपिटल दिया है 25,000 और बी का कैपिटल दिया है 15,000। आगे देखिएगा, इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल इज 10% पर, बोला कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना परसेंट देना है आपको, 10% पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10% पर। फाइंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बोथ पार्टनर, बोला कि दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, निकालना है व्हेन प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 24,000 ऑन द
आपका प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है 24 से। ऐसा क्वेश्चन लेके कितना बार रिपीटेड पूछा हुआ, वो कैप्टी में हमने भी आपसे टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, बहुत स्टूडेंट इसको गलत था, जो कि कॉपी में आपको बताया हुआ है क्वेश्चन है। समझ आ गया? देखिएगा, आपको पहले कॉपी में लिखवाया है, पार्टनरशिप में लिखा हुआ है कि यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट कम हो जाता है, आपको बताए हैं यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट कम हो जाता है, देखिए बताया हुआ है यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए बताए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से यदि प्रॉफिट क्या हो जाता है कम, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशियो में देंगे, कैपिटल रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशियो में देंगे, कैपिटल। देखो बताए यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका क्या हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि क्या हो जाता है आपका, अधिक हो जाता है किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यदि आपका अधिक हो जाता है किससे, प्रॉफिट से। तो हम लोग जो भी इंटरेस्ट देंगे किस रेशियो में देंगे, कैपिटल रेशियो में। अब देखिए आपके पास दो और चार ऑप्शन दिया हुआ है, ए का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 2500 और बी का दिया है 1500, चार ऑप्शन आपका दिया है, बी दिया हुआ है, सी दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग इसको कॉपी में हमेशा देखते रहिएगा कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा होता है किससे, प्रॉफिट से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हम लोग किस रेशियो में देते हैं, कैपिटल रेशियो। देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। देखिएगा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले निकालते हैं कितना होगा, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना होगा, देखो उसका कैपिटल है कितने से 25000, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10%, ए का कितना आ गया 2500, पहले टेस्ट करेंगे निकाल के, बी का कितना दिया हुआ कैपिटल देखिए 15000, इसका कितना परसेंट निकालेंगे 10%, कितने से आएगा 1500, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितने से आ गया 4। अब देखिए इसका जो इंटरेस्ट आ गया दोनों का ए और बी का मिलाकर कितना आ गया 4। अब देखिए इसके पास प्रॉफिट कितने से है 2400, इसको इंटरेस्ट कितना देना चाह रहे हैं, कहां से देगा, नहीं देगा। अब इस केस में क्या करेंगे, आपको बताया हुआ है कि जब प्रॉफिट कम हो जाए किससे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड इन कैपिटल रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशियो में प्रोवाइड करेंगे, कैपिटल रेशियो। चलते हैं अब कैपिटल रेशियो निकालते हैं। देखिए ए का कैपिटल कितना है 2500 सॉरी, और बी का कैपिटल कितने से है 15000, ये दोनों का रेशियो निकालो, ये 5 से कटेगा कितना होगा इसका 5, इसका कितना होगा 3। अब जो भी ये प्रॉफिट है इसी रेशियो में क्या होगा, बट जाएगा। समझ आ गया सभी को, देखिए यहां पर कर देते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिलेगा, 2400 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2400 डिवाइडेड बाय कितना होगा 5/8, इसको कट करेंगे तो 3 बार में, और इसको कट करेंगे तो कितने बार में 3 बार में आपका कटेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500। ए को कितना मिलेगा इंटरेस्ट 1500। अब बी का चलते हैं, बी को कितना मिलेगा 2400 × 3/8, कितना मिलेगा बी के 900। देखिए ए को इंटरेस्ट मिलेगा 1500, अब बी को इंटरेस्ट मिलेगा 900। अब बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए है कि बी है, देखो बी ऑप्शन सही है, ए को मिलेगा 1500, अब बी को मिलेगा 900, इसका मतलब आपका ऑप्शन इस सही। समझ आ गया, ये पांचों जो क्वेश्चन है आपका बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है बिहार बोर्ड SBSE, एकदम से आपको दर्ज जाना है, और सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में उतार लीजिएगा, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट में भी बोलना है, नहीं तो उस पर नंबर आपका दिया है कॉल करके आप पूछ सकते हैं। चलिए अब सारे स्टूडेंट आपको चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के दबाना है आपको। चलिए ठीक, आज के लिए बाय।